हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ पेड़ा बनाने। इसके लिए मैंने 500 ग्राम के लगभग मैंने लिए हैं खोए। इसको मैंने रात को मंगाया था, इसलिए इसे मैं हल्का सा पहले भून ली थी और मैं आपको भूनते हुए आप लोग को भी शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। ये 200 के ग्राम के लगभग चीनी है, क्योंकि खोए मीठे होते हैं इसलिए चीनी की मात्रा कम ली है। 2-4 इलायची है, 2-4 काजू के टुकड़े हैं, काजू हैं। और मैं अब जा रही हूँ इसे पहले मिक्सी में आप इसे डाल करके, चीनी को डाल करके ग्राइंड कर लें। और तब तक मैं इधर पैन करूँ, तब तक इधर मैं पैन गर्म कर चुकी हूँ। इसमें मैं खोया डाल करके इसको थोड़ा सा और भून लूँगी। आप भी इसे भूने इसी तरह, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। उसके बाद में इसे आप भून लें। आप देख सकते हैं मैंने खोए को भून लिया है, अभी फेट कलर इसके पकड़ चुके हैं। और मैं इसे गैस बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। इधर मैंने चीनी को भी ग्राइंड कर लिए, सुपरा भी ग्राइंड कर ले, और इलायची को भी मैंने तोड़ लिए हैं। इसके दाने दाने मैं कर ली हूँ निकाल करके कूट करके। आप इस तरह कर लें ठंडा होने पर। आप देख सकते हैं मैंने इसे ठंडे कर लिए हैं, हल्का हल्का ये गर्म ही रहे। उसी समय से यहाँ पर ये चीनी का बुरा था इसमें मिला दें, पूरे अच्छे से मिला लें। इसको मिला करके ये आसानी से बनने लगती है। आप देख सकते हैं इसी तरह अभी पूरे मैंने इलायची पाउडर जो दिखाया था आप लोग को, उसको भी मैंने इसमें डाल लिया। इसको ऐसे मिला लें पहले अच्छे से। आप देख सकते हैं इसी तरह से पूरी तरह से मिलाएं, बराबर से मीठा पूरे में आ जाए पेड़े में। देख सकते हैं बच्चे की प्लेट में मैंने उसे भी इसमें डाल लिए हैं, ताकि पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में मैं इसे छोटी छोटी गोलियाँ बनाऊंगी और पेड़े का दूंगी। देखिए कितने अच्छे से देखिए बंध रहे हैं, ये इस तरह से बंधने लगेंगे आसानी से। ये ध्यान रखें कि इसको आप छोटे छोटे रहें, हल्के गर्म रहें, तभी आप इसे बनाएं। देखिए मैं इसे राउंड राउंड दे रही हूँ, इसे टट्टू की तरह। फिर मैं इसे दबा लूँगी हल्का सा। इसी तरह आप भी बनाएगा ऐसे। देखिए घी कितने इसमें हैं, आप देख सकते हैं। पेड़े का रूप देते हैं या लड्डू की तरह इसे बनाए। आप जिस साइज में चाहें उस तरह से आप इसे बना सकते हैं। मैं इसे पूरे बना करके मैंने इसको पेड़े के साइज का बना दिया है, और मैंने एक राउंड साइज में भी बनाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी पेड़े होते हैं, जिसे आप काजू से डेकोरेट कर लें और सर्व करें। ये बहुत ही अच्छी और अच्छी रेसिपी है, मिठाई है। आप इसे ज़रूर बनाएं अपने घर पे और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।